कारीसाथ फुटबॉल ग्राउंड में श्री जय बलराज बाबा टूर्नामेंट फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। आज का सेमीफाइनल वन खेला गया, जिसमें जादवपुर और रानी सागर के टीमों ने भाग लिया। आज के मुख्य अतिथि के रूप में संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के निदेशक कुमार द्विजेंद्र पहुंचे। उन्होंने कमेटी के लोगों ने अंग वस्त्र और माला देकर सम्मानित किया। साथ ही अतिथिगण लोगों को अंग वस्त्र और फूल माला देकर सम्मानित किया गया। आज का मैच हाफ टाइम तक कोई भी गोल नहीं कर पाया, लेकिन हाफ टाइम के बाद जादवपुर के 9 नंबर खिलाड़ी ने ग्राउंड गोल किया, जिससे लोगों ने सराहा। इस गोल के लिए दर्शकगण की तरफ से 1651 रुपया दिया गया। सबसे पहले अतिथि महोदय ने प्लेयर से मिले, उसके बाद फुटबॉल को किक मार कर खेल को स्टार्ट किया। इस अवसर पर श्री कुमार द्विजेंद्र ने बताया कि फुटबॉल मैच आज जो कार्यसत ग्राउंड में हो रहा है, यह देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। खेलने वाले टीम भी और यहाँ के कार्यकर्ता या दर्शक लोग भी कितने अनुशासित हैं। इनकी शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है यह मैच, इस प्रकार बहुत कम देखने को मिलता है। मैं अपने स्कूल की तरफ से कमेटी और फुटबॉल टीम को 5,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। अंत में यादवपुर एक गोल से विजयी घोषित किया गया। दोनों टीमों ने सराहनीय गेम का प्रदर्शन किया और बहुत ही सुंदर खेल का नजारा दिखाया। हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण मैच का भरपूर आनंद लेते नजर आए। कार्यसत ग्राम के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और क्लब के लोगों ने सराहनीय कार्य किया। कार्यसात एवं आस पास के गाँव के हजारों की संख्या में दर्शक फुटबॉल मैच देखने पहुँचे। खिलाड़ियों से मिलने, थैंक यू ऑल मीडिया। रोशन पूरी हमारा और काशबा हमारा गोदी में खेलती है, इसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रिश्ते जरा हमारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की पावन धरती और कारी साथ जो कि एक वीर की धरती है, से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाए, क्योंकि जर्सी में खिलाड़ी खेल रहे हैं वो जादवपुर की है, हमारे आज के मिस्टर राजकुमार जी मुख्य अतिथि और सभी दर्शकों का हार्दिक फुटबॉल मैच का जो आयोजन किया गया बड़ा टूर्नामेंट आज पहुंचे हुए हैं बतौर मुख्य अतिथि, खिलाड़ियों से परिचय लिए और खेल से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, क्या कहेंगे? यह जो आयोजन है कारीसात का आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन है। जब राधा शरण सिंह जिंदा थे और रमना मैदान में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जब फुटबॉल का मैच हुआ करता था तो इस तरह की भीड़ देखने को मिलती थी। पिछले 20 सालों से मैं बहुत सारे आयोजनों में गया हूं, लेकिन फुटबॉल के प्रति यहां के लोगों की रुचि, यहां के बच्चों में जो उत्साह है उसको देखकर मैं अभिभूत हूं। मैं मेजर राणा प्रताप का आभार व्यक्त करता हूं, इन्होंने मुझे इस तरह के भव्य आयोजन में बुलाया और सम्मान प्रदान किया। खिलाड़ियों से मैं यही कहूँगा कि खेल भावना के साथ खेलें। खेल में हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं है, खेल भावना महत्वपूर्ण होती है। और मैं जो यहाँ देख रहा हूँ सारे खिलाड़ी पूरे मनोयोग से खेल रहे हैं और खेल भावना का पूरा परिचय दे रहे हैं। लेकिन
लगता है। सारे साथ ग्राम का यह ऐतिहासिक ग्राम रानी सागर बनाम जादवपुर से आज बहुत ही सुंदर मैच हो रहा है। हेलो सिलसिला पुरस्कारों का सिलसिला तो शुरू हो गया तो खेल में थोड़ा और आनंद स्वागत में ले जाइए और खूब खाइए और फिर